वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटर और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स का रेगुलर सेशन। पिछले दिनों इस श्रृंखला में नैरेशन के समाप्ति की घोषणा की गई और उस दिन मैंने आपसे ये कहा था कि बहुत जल्द नैरेशन पर एरर स्पॉटिंग का जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको किस किस प्रोसेस को फॉलो करते हुए और किन किन नॉर्म्स को ध्यान में रखकर आसानी से 100% सॉल्व किया जा सकता है, इस पर बहुत जल्द हम एपिसोड लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आज का ये सेशन उसी पर आधारित है। जी हाँ, आज हम यहाँ पर बात करेंगे कि नैरेशन के किन किन स्टेप्स को, किन किन नॉर्म्स को विशेष तौर पर ध्यान में रखा जाए ताकि नैरेशन पर पूछे जाने वाले एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को आप आसानी से और सफलतापूर्वक 100% सॉल्व कर पाए और ये आपके लिए आसान हो जाए। वैसे अमूमन ये देखा जाता है कि नैरेशन पर अगर कोई एरर स्पॉटिंग का क्वेश्चन पूछा जाता है वो बहुत ही आसान होता है, क्योंकि कुछ ही बातें हैं जो हम यहां पर अगर ध्यान में रखें तो नैरेशन पर आधारित हर एक एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। समय बिना बर्बाद किए हुए सेशन की शुरुआत करेंगे, इसलिए नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिसको ध्यान में रखकर हम नैरेशन के एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और सीखते हैं कि आखिरकार वो कौन कौन से नॉर्म्स हैं जिनको ध्यान में रखा जाए तो नैरेशन पर आधारित एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। सेशन में आगे बढ़ने से पहले सबसे जरूरी बात, जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहाँ से अपलोड की गई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक, शेयर और कॉमेंट ये जरूर करते रहिएगा। कमेंट करना तब बहुत जरूरी हो जाता है जब आप किसी टॉपिक में बताई गई कुछ बात को नहीं समझ पाते हैं, तो बिल्कुल नीचे कमेंट में लिख करके मुझे बताइए, बहुत जल्द हम उसका निदान आपके सामने लेकर के उपस्थित होंगे। बहुत सारे बच्चों ने इधर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं और बहुत जल्द मैं कमेंट बॉक्स के सेशन को भी रिस्टोर करूंगा और आप परेशान नहीं होइए, आपके द्वारा किए गए कमेंट्स और उसमें पूछे गए सवाल का निदान भी बहुत जल्द हम लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। आज हम यहां पर बात करने वाले हैं नैरेशन के एरर स्पॉटिंग की। तो सबसे पहले नैरेशन की जो बातें हैं मैं यहां पर ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, ये सेशन भी लंबा नहीं रखूंगा, 2-3 सवाल 4 सवाल हम आपके सामने रखेंगे और उसमें ये दिखाएंगे कि बहुत ही आसानी से आप नैरेशन के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। उससे पहले जो बातें यहां पर ध्यान रखने वाली है वो आप समझ लीजिए कि सबसे पहले टाइम एंड टेंस पर आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए। अब मैं यहां पर बिल्कुल ये नहीं कह रहा हूं कि टाइम एंड टेंस अगर आपको नहीं आता है तो आप नैरेशन के एरर स्पॉटिंग क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरर स्पॉटिंग में इंग्लिश का सवाल दिया जाता है, इंग्लिश के सेंटेंसेस दिए जाते हैं, तो इंग्लिश में टाइम एंड टेंस भी आता है, वो डिफरेंट डिफरेंट नॉर्म्स को साथ में लेकर के आता है, तो हो सकता है कि नैरेशन का जो सवाल पूछा जाए, ऐसे आपको एग्जामिनेशन में कहीं पर भी नैरेशन लिख करके सवाल नहीं पूछता है, तो इसीलिए मैं एक नॉर्म्स कलेक्ट करवा दे रहा हूं। जैसे कि मैंने टाइम एंड टेंस में कहा कि आपके लिए वर्ब फॉर्म्स को जानना बहुत जरूरी है, वर्ब फॉर्म्स के फंक्शन को जानना बहुत जरूरी है, प्रेजेंट इंडेफिनिट कहां इस्तेमाल करते हैं, परफेक्ट किन किन जगह पर इस्तेमाल होता है, उसका कॉम्बिनेशन क्या है, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। उसी तरीके से फिर मैंने जब वॉइस पढ़ाया वहां पर भी मैंने कहा कि टाइम एंड टेंस के ऑब्जेक्टिव से शुरू होने वाले सेंटेंसेस, मतलब वही सेम टाइम एंड टेंस का जो नॉर्म्स है, जो वर्ब वाला नॉर्म्स है, जो सारी चीजें मैंने वहां पर सिखाई उसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस में कन्वर्ट करते हुए इंप्लीमेंट किया जाएगा। सेम यहां पर भी है कि जो आप कन्वर्जन करते आए हैं, जो टाइम एंड टेंस में आपने नॉर्म्स लगाया है वो यहां पर भी लगेगा, यहां पर कोई भी खासा अंतर नहीं है, बट हां कुछ चीजें हैं जो नैरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान में रखना चाहिए और वो क्या है हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे यहां पर। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि अगर आपने टाइम एंड टेंस के एरर स्पॉटिंग कैसे सॉल्व करें उसको नहीं देखा है या फिर आपने उस पर जो है क्वेश्चंस नहीं बनाए हैं, तो वैसे भी आप प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर 6-7 एपिसोड है जहां पर लगभग हर एक एपिसोड में 10-10, 12-12 क्वेश्चन है, आप उसको बनाइए, आपको समझ में आएगा कि स्ट्रैटेजी क्या है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व किया जा सकता है जो कि टाइम एंड टेंस पर आधारित हो, वॉइस पर आधारित हो। आगे बढ़कर के जब एग्जामिनेशन की बात करेंगे तो वहां पर जो सवाल आपसे पूछा जाएगा उसमें चैप्टर अलग नहीं होता है, हम शुरू से आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखते हैं कि जब वर्ब आया है तो टाइम एंड टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, सब्जेक्ट ओरिएंटेड सेंटेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स को लगाते हैं। अगर मेरा सेंटेंस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, दैट मींस कि अगर सेंटेंस की शुरुआत ऑब्जेक्ट से की गई है तो फिर हम वॉइस के नॉर्म्स को लगाते हैं।
उसी तरीके से जब नरेशन वाली कहीं पर बात आएगी, जैसे कि अब इसके स्टेप्स हैं, जो स्टेप्स आपने पढ़ रखे हैं, जनरल रूल पढ़ रखा है, चेंज ऑफ पर्सन पढ़ रखा है, चेंज ऑफ टेंस पढ़ रखा है, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ रखा है, तो इन सारे नॉर्म्स को देखते हुए क्या उचित होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, उसको वहां पर आपको मैच करना होगा। जैसे इसमें बात क्या क्या है, देखिए इसमें हमारे पास जो स्टेप्स है वो आप देखेंगे, अगर एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस की बात करें तो स्टेप्स मेरे पास पहला जो है वो है जनरल रूल, जो दूसरा स्टेप है वो है चेंज ऑफ पर्सन, तीसरा है चेंज ऑफ टेंस, और जो चौथा है वो है चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। यहां पर जो बातें हैं वो जनरल रूल, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस एंड चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये चार स्टेप आपने पढ़ा है। इसमें से कौन कौन सा ऐसा स्टेप है जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना चाहिए, ये मैं आपको यहां पर बताऊं। अमूमन इस पर आधारित कोई भी बदलाव आपके सेंटेंसेस में नहीं देखा जाता है कि इसमें कोई गलती दे दिया और आपको वहां पर उसको चुनना है। ये एक साधारण है, जब हम नाउन और प्रोनाउन की बात करेंगे तो उस आधार पर सिंगुलर या प्लूरल, जहां पर कि हिज लगाना है, देयर लगाना है, आर लगाना है, माई लगाना है, माइन लगाना है, तो इन सारे बदलाव को आप प्रोनाउन में बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं और उस नॉर्म्स को ध्यान में रखते हैं। तो बिल्कुल आपको इस चीज पर बिल्कुल नहीं सोचना है जब कभी भी नरेशन का सवाल आप पर्टिकुलरली चैप्टर वाइज अगर प्रैक्टिस सेट बनाते हैं तो वहां पर भी इस चीज को ध्यान में नहीं रखना है। इसमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें इन्वर्टेड कॉमा हटा करके हम कहां दैट लगाते हैं, कहां इफ लगाते हैं, कहां वेदर लगाते हैं, कहां टू लगाते हैं, इन सारी चीजों को इसमें ध्यान रखिएगा। आपको ये जरूर ध्यान रखना होगा कि नॉर्मल जो सेंटेंस होता है उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद दैट लगाया जाता है। यस नो क्वेश्चन का जो कन्वर्जन होता है, अगर मेरा पहले आस्क लिखा हुआ है तो आगे दैट नहीं होना चाहिए, वहां पर इफ या वेदर होना चाहिए अगर वो यस नो क्वेश्चन है। अगर उसमें डब्ल्यू एच वर्ड दिया गया है तो वहां पर ना इफ होगा, ना दैट होगा, ना टू होगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो हमारे लिए जो एरर स्पॉटिंग को सॉल्व करते समय पहला पॉइंट आता है वो आता है जनरल रूल से, कि हमें ये देखना है कि हमारा जो है इन्वर्टेड कॉमा हटाने के बाद जो हम शब्द अप्लाई करते हैं, जो दैट लगाते हैं, इफ लगाते हैं, वेदर लगाते हैं, टू लगाते हैं, वो ठीक ठीक रखा गया है या नहीं। डब्ल्यू एच वर्ड वाला सेंटेंस है, डब्ल्यू एच इंटरोगेटिव सेंटेंस है, और उसमें अगर उसके पहले दैट लगा हुआ है या अगर उसके पहले इफ लगा हुआ है तो वो वहां पर गलत होगा, और यही आपको पहचानना होता है नरेशन पर जो एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चंस दिए जाते हैं। साथ में रिपोर्टिंग वर्ब में भी थोड़ा सा ध्यान रखना है कि अगर पीछे ऑर्डर लिखा हुआ है, जो है कमांड लिखा हुआ है, रिक्वेस्टेड लिखा हुआ है, इस तरीके का जहां पर हम टू लगाते हैं तो उसको भी वहां पर ध्यान देना है कि उस आधार पर रिपोर्टिंग वर्ब जो लिखा गया है उसके आधार पर जो सेंटेंस की कैटेगरी है उसमें दैट सुटेबल है, इफ सुटेबल है, वेदर सुटेबल है या टू सुटेबल है, वो आपको ध्यान में रखना होगा। तो मेरा जो पहला सबसे अहम मुद्दा है वो ध्यान में रखना है कि हम इन्वर्टेड कॉमा हटा करके जिन शब्दों का जहां जहां प्रयोग करते हैं उसको आप ध्यान में रखेंगे तो एक इस तरह के सवाल यहां से पूछे जाते हैं। दूसरा, चेंज ऑफ टेंस में आपको यह ध्यान रखना है कि भाई आपको हमेशा V1, V5 को V2 करना होता है और V2 को had plus V3 करना होता है, साथ में can को could, will could, shall को should, may को might, ये सारी बातें जो मैंने narration में आपको बताई है step by step, change of portion, change of tense के लिए उसको आपको ध्यान में रखना है। साथ में ये शर्त भी ध्यान में रखनी है कि change of tense तभी applicable है जब आपका reporting verb पास्ट में होता है। मतलब है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपका पास्ट टेंस में है, जो इसे आस्क लिखा हुआ है, ऑर्डर लिखा हुआ है, टोल्ड लिखा हुआ है, तो आगे जो टेंस होगा वो पास्ट में होना चाहिए। उसमें बदलाव कैसे, किस आधार पर होता है, ये आपको देखना पड़ेगा। साथ में इसमें कभी कभी शामिल कर देगा कॉम्बिनेशन ऑफ टेंस वाली जो बात की थी कि जो घटनाएं ज्यादा पुरानी है, मतलब मुझे अगर पॉइंट ऑफ रेफरेंस, और अब ये जो मैं बात कर रहा हूं ये कॉम्बिनेशन की बात है दो टेंस की, तो ये टाइम एंड टेंस के प्लेलिस्ट में मिलेगा, वैसे मैं यहां पर ऐड कर दूंगा, आप यहां पर भी इस वीडियो के बाद उसे देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको सारी चीजें उपलब्ध है टाइम एंड टेंस के लिए, वॉइस के लिए विस्तार से आप वहां पर
देख सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि इन चीजों का भी आपको ध्यान रखना होगा कि अगर वहां पर दो सेंटेंसेस, दो समय दिया हुआ है, दो समय की दो अलग अलग घटनाएं दी हुई है और एक मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, तो उसके आधार पर हमें कॉम्बिनेशन को V2, हैट प्लस V3 या और किसी भी कॉम्बिनेशन में चेंज करना है। तो ये सारी चीजें जो टाइम एंड टेंस की है वो वहां पर एप्लीकेबल हो जाती है, और जो कन्वर्जन ऑफ टेंस है, चेंज ऑफ टेंस है, वो इस तरीके से एप्लीकेबल होता है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आपको जो मैंने बताया था कि मस्ट जो है वो हैड टू में चेंज करता हुआ दिखेगा, तो वहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके का बदलाव होता है। सिंपल सी बात जो मोटा मोटी मैंने बताई, पहला पॉइंट मुझे ये ध्यान रखना है कि इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करके जिस जिस सेंटेंस के लिए जो जो शब्द हम अप्लाई करते हैं, दैट करते हैं, इफ करते हैं, वेदर करते हैं या टू करते हैं, किस परिस्थिति में करते हैं, ये सारी बातें जो पूरे डिटेल में जब मैं कन्वर्जन बता रहा था वहां पर मैंने बताया, तो बस उसमें से उसको निकाल लेना है। कहीं पर आप उसको लिस्ट कर लीजिए कि हम क्या क्या कहां बदलाव करते हैं, तो आसान हो जाएगा आपके लिए एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करना। और ये टेंस वाला जो है, जो बदलाव करते हैं, वो इसमें मैंने कहा कि टाइम एंड टेंस के नॉर्म्स को भी शामिल करते हुए हम ध्यान में रखेंगे। साथ में अगर वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड हो गया तो फिर वही जो बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगता है उसी आधार पर बदलाव होगा। साथ में चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, इस पर भी सवाल दिया जाता है कि आपको टुमारो नहीं होना चाहिए, यस्टरडे नहीं होना चाहिए, दिस नहीं होना चाहिए, दीज नहीं होना चाहिए, इसे हमें बदलना होता है, टुमारो को नेक्स्ट डे करना होता है, यस्टरडे को प्रीवियस डे करना होता है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं दिस को दैट करना होता है, दीज को दोज करना होता है, हेंस को देंस करना होता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी। अगर इतनी सी बात आप ध्यान में रखते हैं तो जो कोई भी सवाल दिया जाता है आपको तीनों, अब तक जो मैंने बताया है टाइम इंटेंस, वॉइस एंड नरेशन, अगर इस तीनों के नॉर्म्स को वहां पर अप्लाई करेंगे, जांच करेंगे, तो आसानी से 100% सही सही आप एरर स्पॉटिंग के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे और सही आंसर ढूंढ पाएंगे। चलिए हम यहां पर एक दो सवाल आपके लिए रखे हैं, आप इसको देखिए, आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, ऐसे मैं रुकूंगा नहीं, वीडियो को ज्यादा लंबा करने से कोई फायदा नहीं है। एक क्वेश्चन है, इमीडिएटली आफ्टर boarding the train, Saket asked the DTE that if he knew where his birth was. अब देखिए, एक सवाल आपके सामने है और इसमें मैं, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी और ये है। आपको पहले से पता है कि इस तरह के सवाल में हमें गलतियां ढूंढनी होती है, तो सबसे पहले हम इसको नॉर्मल ही जो एक सेंटेंस है, इंग्लिश का सेंटेंस, हम कभी भी इसको चैप्टर वाइज कैटेगराइज नहीं करते हैं। और अगर आप चैप्टर वाइज टेस्ट दे रहे हैं तो वहां पर तब ध्यान रखना है, तब हम विशेष करके जो चैप्टर बना रहे हैं उसका ध्यान रखेंगे, लेकिन यहां पर सिर्फ नॉर्मल है। चूंकि मैं आपको नरेशन के लिए रिस्पॉन्डिंग क्वेश्चंस बता रहा हूं तो आप ध्यान में रख सकते हैं, लेकिन कह रहा है इमीडिएटली आफ्टर बोर्डिंग द ट्रेन साकेत आस्ट। अब यहां पर जो मार्क करने वाली बात है आस्ट, सबसे पहले तो ये V2 है और ये क्वेश्चन है, हम नरेशन के हिसाब से भी देख लेंगे और वर्ब के फॉर्म के हिसाब से भी देख लेंगे। तो सबसे पहले जो है साकेत ने पूछा, तो यहां पर एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है, और V2 है। अब देख रहे हैं कि द टीटी दैट, अब यहां देखिए कि ये लगाना बिल्कुल उचित नहीं है, क्वेश्चन के हिसाब से हम इफ का प्रयोग करते हैं और ये दैट का प्रयोग यहां पर गलत है। इन्हीं चीजों को ध्यान में रखना है कि भाई किसके साथ कौन सा शब्द,
कौन सा कनेक्टर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने हमेशा से कहा है कि नरेशन के दो हिस्से, एक होता है रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा और एक होता है रिपोर्टेड स्पीच जो कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। दोनों को कनेक्ट करके इनडायरेक्ट में एक सेंटेंस बनाया जाता है और उसी इनडायरेक्ट को यहां पर एरर में रखा जाता है। कभी कभी डायरेक्ट के स्टेटमेंट को भी बड़ी चालाकी से इन्वर्टेड कॉमा के साथ रख दिया जाता है और वहां पर इन्वर्टेड कॉमा के पहले दैट लगा देगा, टू लगा देगा और आप ध्यान नहीं देते हैं कि ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है। तो इस पर भी ध्यान रखेंगे कि कहीं अगर ऊपर इन्वर्टेड कॉमा लगा हुआ है तो फिर डायरेक्ट के स्टेटमेंट में कुछ भी हो सकता है, वहां पर किसी भी प्रकार के स्टेटमेंट रह सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। बाहर क्या है उस हिसाब से तब उसमें बदलाव करेंगे। हर बार आपको जरूरी नहीं है कि इनडायरेक्ट के स्टेटमेंट को पांच चार हिस्से में बांट करके आपके सामने रखेगा। तो यहां पर एक नॉर्मल सेंटेंस की तरह हम आगे बढ़े। हमने यहां पर देखा कि भाई आस्क लगाया है। अब टाइम एंड टेंस के हिसाब से ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये एक प्रकार का क्वेश्चन है और क्वेश्चन कैसा है, ये यस नो क्वेश्चन है क्योंकि इसमें कहीं पर भी डब्ल्यू एच वर्ड नहीं है, है ना। तो कह रहा ही नॉर्मल सेंटेंस इफ हम लगा सकते हैं, दैट का प्रयोग गलत है और इसीलिए इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा सी। सीधी सी बात समझिए कि हमने क्या किया, हमने इसे एक साधारण सेंटेंस, एक इंग्लिश के स्टेटमेंट की तरह देखा, शुरुआत से शब्दों को पढ़ते चले, आगे हमने देखा कि एक वर्ब फॉर्म का इस्तेमाल किया और वो वर्ब फॉर्म V2 था। हमने ये देखा कि आस्क्ड वर्ड लिखा गया है जो कि एक क्वेश्चन को एस्टैब्लिश करता है। फिर हमने ये देखा कि क्वेश्चन कौन सा है, यस नो क्वेश्चन मुझे दिखा और हमने ये देखा कि यस नो क्वेश्चन के साथ हमें नरेशन में यह सिखाया गया है कि दैट लगाना अलाउड नहीं है, हम वहां पर इफ या वेदर लगा सकते हैं और आगे हिस्से में इफ लगा हुआ है इसलिए ये गलत हो जाएगा। चलिए एक दो सवाल और रखते हैं इसी तरीके से ताकि आपको अंदाजा आ जाए कि हमें सवाल को किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। चलिए दूसरा सवाल है, गायत्री एक्सक्लेम्ड with sorrow that his mother died just 3 months before। अब देखिए कि ये जो सवाल है ये बड़ी चालाकी से आपके सामने रखा गया है। इसमें अगर आप सिर्फ नरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हो सकता है कि आपको ये सेंटेंस ठीक ही लगे और इसमें आप नो एरर मारकर निकल जाएं। लेकिन अगर टाइम ऑन टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को सोचते हुए और फिर नरेशन को देखेंगे तब आपको गलती यहां पर दिख जाएगी। आप इस सवाल को खुद से बनाइए, वीडियो को यहां पर पॉज कर लीजिएगा, आप बना लीजिए। मैं यहां पर आगे बढ़ता हूं, देखिए क्या कह रहा है, गायत्री एक्सक्लेम्ड, मेरा रिपोर्टिंग वर्ब कैसा है, मतलब जिस बात से कहा गया एक्सक्लेम विद सॉरो, तो मुझे पढ़कर कैसा लग रहा है, हमने नरेशन में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के कन्वर्जन में इस तरीके के रिपोर्टिंग वर्ब को एक्सक्लेम विद सॉरो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, एक्सक्लेम विद अप्लॉज हमने ये पढ़ा है, दैट लगा हुआ है, यहां तक ठीक है कि गायत्री एक्सक्लेम विद सॉरो दैट हिज मदर डाइड जस्ट 3 months before। अब देखिए कि जब यहां पर 3 months before की बात की जा रही है तो ये पहले से अगर 3 months लिखा हुआ है तो मेरा जो डायरेक्ट का स्टेटमेंट होगा अगर हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में रखते हैं तो ये V2 पहले से होगा, होगा ना, सिंपल सी बात। यहां सोचिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि ये जो V2 लगा हुआ है वो इस टाइम की वजह से तो पहले से लगा हुआ होगा, बिल्कुल, कि अगर 3 महीने पहले की बात है तो हम उसको जो है प्रेजेंट में यहां पर रख नहीं सकते, V1 V5 में रख नहीं सकते जो हमने यहां पर V2 लिखा है, कि उस लिहाज से आपको ठीक लगेगा। ये जो घटना है तो ये पहले से V2 में होगा और अब अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो यहां पर क्या होना चाहिए, हेड होना चाहिए, हेड प्लस V3 होना चाहिए। अगर ये 3 months बिफोर नहीं होता तो ये बिल्कुल सेंटेंस यहां तक सही होता, कोई भी गड़बड़ी नहीं होती। लेकिन अगर मुझे यह दिया गया है 3 महीने पहले की घटना तो दैट मींस कि यह बात
V2 में लिखी जाएगी, और अगर ये डायरेक्ट के स्टेटमेंट में V2 में लिखा गया है तो उसका जो कन्वर्जन है वो V2 का हैड प्लस V3 होता है, और इस लिहाजन यहां पर मुझे हैड लगाना पड़ेगा और तब जाकर के ये ग्रामेटिकली सही होगा कि गायत्री एक्सक्लेम विद सोरो दैट हिज मदर हैड डाइड जस्ट 3 मंथ्स बिफोर। तो सिंपल सी बात है कि यहां पर जो है, और हाँ एक और चीज है, कंफ्यूज नहीं होएगा, ये किसी और की भी मां हो सकती है, गायत्री की भी मां हो यहां पर, जरूरी नहीं है, आपको वहां पर वो गलती दिख सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप नॉर्मल देखिए तो गायत्री एक्सक्लेम विद सोरो, जो कि हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में ऑलरेडी पढ़ा है कि इस तरीके से हम जो है लिखते हैं, फिर दैट लगाते हैं उसमें, तो दैट लगा हुआ है। यहां मैंने जो कहा कि आप इसको डायरेक्ट में अगर इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रख करके सोचेंगे तो ऑलरेडी जब 3 मंथ्स बिफोर लिखा हुआ है तो ये V2 में होगा, और तब जब इसको हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वहां पर हेड प्लस V3 होना चाहिए, और इसीलिए जो है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टेंस के कॉम्बिनेशन ऑफ जो टेंसेस है उस की जानकारी आपके पास होनी चाहिए, और वैसे भी अगर आप इस हिसाब से देखिए तो मेरा पॉइंट ऑफ रेफरेंस ये है, इससे पुरानी घटना ये है, तो आपको यहां पर हेड प्लस V3 होना चाहिए। अब आप जिस तरीके से सोचो, आपको ये भी लग सकता है कि सर अब फिर तो नरेशन का जो है कुछ ज्यादा अहम नहीं रह जाता है यहां पर, सिर्फ रिपोर्टिंग वो वाली बात और जो हम कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं उसकी बात और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच वाली जो बात थी वो ध्यान में रखा जाए, बाकी जो चेंज ऑफ टेंस की बात है वो टोटली टाइम एंड टेंस और वॉइस पर आधारित हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपकी पकड़ उधर से अच्छी है तो वो कर सकते हैं, या अगर आपने नरेशन की अच्छी खासी प्रैक्टिस कर रखी है तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान देना चाहिए कि अगर हमने 3 मंथ्स बिफोर लिखा है तो ये ऑलरेडी पहले से V2 में होगा, और जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वो V2 हैड प्लस V3 होना चाहिए, और तब जाकर के ये सही होगा। चलिए एक सवाल और है, सवाल बहुत आसान आसान होता है, नरेशन के सवाल में ज्यादा परेशानी आपको महसूस नहीं होगी। क्या है, द टीचर रिमार्क्ड एंग्रीली yesterday that the students have all done it very badly. No error. अब देखिए A, B, C, D, E. ये सवाल रखने का दो उद्देश्य है, आप देख लो, वीडियो पॉज कर लो, सवाल बना लो, उसके बाद आ जाना एक्सप्लेनेशन पर। कह रहा है द टीचर रिमार्क्ड वेरी एंग्रीली yesterday. अब बहुत सारे बच्चे जो नरेशन की बात मैंने कही कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को आपको ध्यान में रखना है, तो वो धड़ाक से यहां पर जो है वो गलती निकाल देंगे कि हम तो ऐसे लिखते नहीं हैं, जब इनडायरेक्ट में लिखते हैं तो यस्टरडे लिखते नहीं है। आपको बच्चे यहां पर ये ध्यान देना चाहिए कि ये दैट से पहले लिखा गया है, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला सेंटेंस है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो दिस होता है, दैट होता है, दिस होता है, दीज होता है, टुमारो होता है, यस्टरडे होता है, ठीक है, ये सारा बदलता है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। लेकिन आप देखो कि यहां पर जो ये दैट लिखा हुआ है ये इन्वर्टेड कॉमा हटाकर रिपोर्टेड स्पीच से पहले लिखते हैं हम, तो ये मेरा रिपोर्टिंग वर्ब वाले सेंटेंस में है, इसीलिए बिल्कुल सही है, यहां पर इसमें कोई भी बदलाव नहीं होगा। तो कह रहा है द टीचर रिमार्क्ड, और मेरा रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, वेरी एंग्रीली यस्टरडे दैट द स्टूडेंट्स हैव। अब देखिए ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, यहां पर क्या होगा, हैड, सिंपल सा है, V1 को और V5 को V2 में चेंज करना होता है, तो बिल्कुल हम ये लिख नहीं सकते हैं, और इसीलिए इस सवाल का भी जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए बड़ी आसानी से आप, अगर आपका अच्छा खासा कमांड टाइम एंड टेंस पर है तो फिर आपको सोचने की जरूरत नहीं है, नरेशन में बस एडिशनल जो जानकारी आपके पास रखनी है वो वही कि रिपोर्टिंग वर्ब कैसे बदलता है,
रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार जो हम कनेक्टर्स इस्तेमाल कर रहे हैं वो हम कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें किसे किस फॉर्म में बदल कर रखा जाता है, ये ध्यान रखना है। इस सवाल में जैसे मैंने आपको एक यस्टरडे देकर के ये दिखाया कि देखो भाई हर बार यस्टरडे टुमारो टुडे ये चेंज नहीं होता है, उसका पोजीशन हम देखेंगे। अगर वो कनेक्टर के बाद है, इन्वर्टेड कॉमा का हिस्सा है, रिपोर्टेड इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है, रिपोर्टेड स्पीच का हिस्सा है, तब हम उसको बदलेंगे, ऐसे नॉर्मली नहीं बदलते हैं। चलिए एक और आखिरी सवाल, इसके बाद इस सेशन को समाप्त करेंगे और इसके बाद इस पर आधारित जो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस कराते हैं हम वो 10-12 सवाल लेकर के, ज्यादा नहीं 2-4-5 सेशन तो जरूर लेकर के आएंगे ताकि आप प्रैक्टिस कर लें। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ये कहेंगे कि सर बहुत आसान है, इस पर आप सवाल नहीं भी कराएंगे तो चलेगा, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको जरूरत महसूस होती है, एसएससी वाले बच्चे हैं या फिर बहुत सारे ग्रामीण बैकग्राउंड के बच्चे हैं जिन्होंने टाइम एंड टेंस को ठीक ढंग से नहीं पढ़ा है, तो उस माध्यम से नरेशन पढ़ाने के दौरान एक बार फिर से उसका रिव्यू भी होगा। तब तक आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर आपको परेशानी है तो प्लेलिस्ट में जाइए और वीडियोस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, परेशानियों को लिखिए। देखिए कह रहा है माय फ्रेंड रिक्वेस्टेड मी टू कीप सॉल्विंग all the problems of this chapter until he came back। देखिए इस सवाल में भी ए बी सी डी और ई, फिर से वीडियो पॉज करिए, सवाल बनाइए ऐसे, माई फ्रेंड रिक्वेस्टेड, फिर से यहां पर क्या है कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर आप देखें या फिर सेंटेंस का जो हिस्सा है, जो ये वर्ब है वो दूसरे फॉर्म में है, दैट मीन्स ये पास्ट में है। देखिए रिक्वेस्ट लगा हुआ है तो टू लगाते हैं हम, इन्वर्टेड कॉमा जब हटाते हैं तो सॉल्विंग ऑल द प्रॉब्लम्स ऑफ, ये दिस नहीं होना चाहिए, यहां पर दैट होना चाहिए। ये आपको ध्यान में रखना है कि देखिए मैंने क्या कहा कि आपको क्या क्या ध्यान में रखना है। एक तो सबसे पहले टाइम एंड टेंस के कंसेप्ट को अगर आप पढ़ रखे हैं पहले से और उस पर आपकी अच्छी खासी कमांड है तो आपको बिल्कुल यहां पर कुछ भी नया करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ दो चीजें ध्यान में रखिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब में बदलाव किस तरीके से होता है और उस बदलाव के हिसाब से हम किस प्रकार का कनेक्टर इस्तेमाल करते हैं, यानी कि दैट, इफ, वेदर, टू, क्या इस्तेमाल करते हैं किस तरह के सेंटेंस में, ये सब मैंने विस्तार से बताया है, तो आप उसको नोट डाउन करके कहीं पर कलेक्ट कर लीजिए या फिर आपको वहां से ध्यान में है तो आसानी से रख सकते हैं। दूसरी बात कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सा शब्द किस फॉर्म में कन्वर्ट होता है, ये आपको ध्यान में रखना है कि टुडे कैसे बदलेगा, टुमारो कैसे बदलेगा, यस्टरडे कैसे बदलेगा, ये सारी बातें आपको, दिस कैसे बदलेगा, दीज कैसे बदलेगा, तो वो आपको ध्यान में रखना है। साथ में इससे पीछे जो मैंने एक सवाल बताया उसमें मैंने ये बताया था कि चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच तभी बदलाव होता है जब वो कनेक्टर्स के बाद यानी कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच के हिस्सा के तौर पे दिया जाएगा तब। अगर यहां पर देखिए यहां पर जो हमने दिस बदला है वो इसीलिए कि ये इसके बाद आया है और ये इस सेंटेंस का हिस्सा है, यहां पर दिस नहीं दैट होना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जो मैंने बात बताई है वैसे इसमें कुछ खासी जानकारी है नहीं, बस एक है कि टाइम एंड टेंस के सब्जेक्ट ओरिएंटेड और उसी के ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड वॉइस पर अगर आपने अच्छी खासी मेहनत की है तो नरेशन के सवाल को बनाने के लिए आपको कुछ भी एडिशनल करने की जरूरत नहीं है। बस दो बातें ध्यान में रख लीजिए, जो आप किसी भी सेंटेंस पर टाइम एंड टेंस और वॉइस के नॉर्म्स को ट्राई करते थे, अब नरेशन के लिए रिपोर्टिंग वर्ब और उसके हिसाब से जो कनेक्टर्स इस्तेमाल होता है उसका और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच के बदलाव को ध्यान में रखकर उसे चेक करते हुए सवाल सॉल्व कीजिएगा, आप आसानी से बना सकते हैं। चैप्टर वाइज कर रहे हैं तो वहां पर भी वही बातें एप्लीकेबल होगी। उम्मीद करता हूं कि एक छोटा सा सेशन था और ये आसानी से समझा पाया होगा कि नरेशन पर जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसे आप कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और कौन कौन से नॉर्म्स को ध्यान में रखना चाहिए।
ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा आपसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से बिता लेने का बहुत जल्द इसी पर आधारित सेट जो कि नरेशन पर आधारित क्वेश्चन होगा, चैप्टर वाइज टेस्ट की बात कर रहे हैं हम, उसे लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एग्जामिनेशन की तैयारी में जुटे रहिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सिंस से दिस इज बी के सिंग साइनिंग ऑफ। कीप रीडिंग, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।